Hello and good morning everyone. Welcome back and you're watching English by Joseph ma'am. I hope you all are doing well and you all are learning English, practicing, speaking. But the most something is disappointing me that you are not giving me any response. And I'm not knowing that well you are learning or you are understanding me or not. That is something that is bothering me. मुझे परेशान कर रहा है कि आप लोग मेरे चैनल को पसंद कर रहे हो और आप लोग कुछ चीजें इंग्लिश नई चीजें सीख रहे हैं कि नहीं, वो उसका रिस्पॉन्स मुझे नहीं मिल रहा है. सो प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज से द कमेंट, से समथिंग एंड गिव मी सम सजेशन सो दैट आई कैन ट्राई मोर बेस्ट. बट स्टिल आई एम डूइंग गुड एंड आई वॉन्ट टू डू बेस्ट फॉर यू ऑल. ओके, सो बहुत ज्यादा मैंने एक मीनिंग जो आपके लिए आज लेके आई हूँ, इट्स समथिंग न्यू, समथिंग डिफरेंट. तो आपने डेली हिंदी में, लेकिन ज्यादातर आपने सुना होगा हिंदी में, बहुत ज्यादा उड़ो मत, बहुत ज्यादा उड़ो मत. तो दैट मीन्स डोंट फ्लाई सो हाई. तो कुछ लोग बहुत ज्यादा शो ऑफ करते हैं, इसको कहते हैं दिखावटी करते हैं, है ना. अगर विदेश चले गए तो वो अपना बहुत, उनकी फ्लुएंसी बहुत अलग हो जाती है बात करने में, है ना. सो ओके, व्हाट आई, दिस इज द थिंग दैट आई वॉन्ट टू, दैट इज माई सब्जेक्ट टूडे, फ्रेजेस सेंटेंसेस. ओके, बिफोर आई बिगिन टू स्टार्ट विद द फ्रेजेस सेंटेंसेस एंड टेल यू अबाउट फ्रेजेस, I would like to tell you all, those who are new to my channel, please do subscribe and press the red icon button that I should know that you will get the more videos, upcoming videos. जो नए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज उसको रेड बटन को क्लिक करिए ताकि आपके आने वाले वीडियोज आप तक पहुंच सके, मेरे आने वाले वीडियोज आप तक मिल सके और आप समझ सके. And please stay tuned till the end. अंत तक आप मेरी वीडियोस को देखेंगे. अगर आप स्किप करेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा. अंत तक आप देखिए, टिल द लास्ट, वॉच टिल द लास्ट. प्लीज सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक. ओके, सो नाउ वी बिगिन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. ओके, सो फ्रेजेस सेंटेंस, नाउ व्हाट इज अ फ्रेजेस सेंटेंस, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू इन डीपली, आई एम नॉट गोइंग टू कन्फ्यूज यू द फुल ग्रामेटिकल पार्ट, बिकॉज माई मेन मोटिव इज टू टीच यू स्पीकिंग इन फ्लुएंसी. मेरा जो मेन लक्ष्य, हमने क्या पहले बताया था आपको कि इंग्लिश स्पीकिंग है, बोलना सीखना है इंग्लिश फ्लुएंटली. तो यहाँ पे आप कोई ग्रामेटिकल चीजों से आपको कोई बॉदरिंग नहीं करना है कि हाँ ये अरे ये कैसे होगा. नो, जस्ट सिंपली आपको ये चीजें बोलनी है और आप अपने फ्रेंड्स के बीच में अपने आप में सब सीखेंगे. अब दूसरों को भी आप सिखाइए कि हाँ ये चीजें आज मैंने सीखा है, चलो फिर इसको यूज करिए आप एंड यूज इट ऑल. ओके, सो फ्रेजेस क्या होते हैं, इसमें ना कोई सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होता है, जस्ट सिंपली अ सेंटेंस दैट इज सेड. सो लेट अस बिगिन द फर्स्ट वन, यू ऑलवेज बॉस अराउंड, यू ऑलवेज. नाउ लिसन टू मी केयरफुली व्हाट आई एम स्पीकिंग एंड देन यू राइट इट डाउन और एल्स यू पॉज माई वीडियो एंड देन लिसन टू इट व्हाट आई एम सेइंग. यू ऑलवेज बॉस अराउंड, बॉस अराउंड मीन्स हमेशा अपनी, जैसे कहते हैं ना, बोस्टिंग करना, अपनी दादागिरी दिखाना, हमेशा अपने को मतलब बढ़ावी करके बोलना, अरे हमने ये किया, अरे वो किया. तो दैट इज इंग्लिश यू कैन से यू ऑलवेज बॉस अराउंड. ओके, द नेक्स्ट वन, यू आर अ डार्क हॉर्स. ये आपने पहली बार सुना होगा, व्हाट इज दिस अ डार्क हॉर्स, लेकिन आपने कभी इसको, आपने सुना है कि हिंदी में जो बोलते हैं छुपे रुस्तम, तुम तो बहुत छुपे रुस्तम निकले. सो इन इंग्लिश आपने हमेशा इंग्लिश हिंदी में ही बोला होगा, बट इन इंग्लिश इट इज सेड यू आर अ डार्क हॉर्स. अगर किसी ने बहुत, जैसे आपको लगता है कि ये बहुत साधारण इंसान है लेकिन इसने बहुत बड़ा काम किया, मतलब ये पीसीएस की तैयारी कर लिया, ये पीसीएस में सेलेक्ट हो गए और आपको पता नहीं चला, और बहुत सीधा इंसान दिखता है, जैसे लगता है दिखने में लगेगा कि इनको कुछ नहीं आता, ही डजंट नो एनीथिंग, बट ही डिड समथिंग गुड, बहुत मतलब ऐसे कर दिया, ऐसे सोसाइटी में एक बड़ा नाम कर लिया. सो यू आर अ डार्क हॉर्स, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, इतना बड़ा काम कर लिया. ओके ओके, तो नेक्स्ट वन, कम इन हैंडी मीन्स काम आना. नाउ व्हेन आई से कम इन हैंडी मीन्स काम आना, सो व्हाट आई मीन टू से इज लर्न दिस फ्रेजेस, इट विल कम हैंडी टू यू इन योर फ्यूचर. अगर आप ये सब लर्न कर लेते हैं तो आपके ये काम आएंगे. ओके, सो इट्स अ पीस ऑफ केक, इट्स अ पीस ऑफ केक, आपने सुना होगा. सिंपल ही आप बोलते, ये तो बहुत ही आसान काम है, सिंपल है, ये तो मेरे बस के, मैं तो मेरे बस का काम है, मैं कर लूंगा, ओके कर लूंगी. सो इन इंग्लिश यू विल से इट्स अ पीस ऑफ केक. इफ यू नॉट गेटिंग इट, प्लीज पॉज माई वीडियो एंड देन लिसन टू इट केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग इट इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी. सो नेक्स्ट वन,
make yourself at home. Make yourself at home. Suppose a guest has come to your house and you think, please अपना ही घर समझिए, आराम से आप बैठिए, आराम से खाइए, शर्मिंदा मतलब अपने आप को मतलब अलग मत रखिए कि हाँ ये अरे हम किसी घर में आए, ये आपका ही घर है, आपकी फैमिली की तरह है, तो ऐसे बोलते ना हिंदी में. बट नाउ व्हाट यू से इट इन इंग्लिश, मेक योर सेल्फ एट होम. मेक योर सेल्फ एट होम. नो किडिंग. नो किडिंग मीन अरे मजाक मत करो प्लीज, जैसे वी से ना क्या सच्ची बोल रहे हो, प्लीज डोंट किड, ऐसे मत करो कि ऐसे चीजें हैं, ऐसे मत बोलो. सो इट इज नो किडिंग, विल से इट नो किडिंग, क्या ये सच है, अरे सच है, सच बोलो, ऐसा है क्या, अरे मजाक मत करो, दिस दिस इट इज नो हिंदी में. बट इंग्लिश इज द नो किडिंग, इन इंग्लिश यू विल से नो किडिंग. द नेक्स्ट वन इज इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन. अगर कोई चीजें जैसे हुआ, जैसे कुछ बात अगर हो गई कुछ चीजों में, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो और ने बोला नहीं ये चीज सही, ये तो क्वेश्चन, ये तो बस के बाहर है, ये ऐसे नहीं हो सकता, नहीं ये गलत है, ये इस तरीके से तो हो नहीं सकता. सो इंग्लिश इट इज इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन. इट्स आउट ऑफ द क्वेश्चन. इट्स नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चन. स्टे इन टच. स्टे इन टच मीन बने रहिएगा. तो वही चीज मैं आपको बोलना चाहती हूँ हिंदी में. इंग्लिश में है स्टे इन टच एंड इन हिंदी इट इज बने रहिएगा. सो आप भी मेरे वीडियो को अंत तक में बने रहिएगा, देखते रहिए, समझिए और फिर आप उसको बोलिए. ओके, सो स्टे इन टच टिल द एंड. प्ले इट कूल. प्ले इट कूल मीन आराम से काम करो, जो भी आप काम कर रहे हो, बहुत बड़ा कुछ काम कर रहे हैं आप समथिंग, सो प्ले इट कूल. सो इंग्लिश में बोलेंगे आराम से, ठंडे दिमाग से काम करो. कोई डिसीजन आप ले रहे हो, कोई अगर आप कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ले रहे हो अपने फैमिली पर्सनल लाइफ के लिए, एनीथिंग अबाउट योर स्कूलिंग और योर कॉलेज वट एवर, सो यू से इट इन इंग्लिश प्ले इट कूल. और हिंदी में ठंडे दिमाग से सोचो फिर वो काम करना, ये हिंदी में उसको बोलेंगे. ओके, टेलिंग अ लाई डजंट बेनिफिट यू. टेलिंग अ लाई डजंट बेनिफिट यू. बेनिफिट मीन तुमको कोई लाभ नहीं देगा, मतलब वट इज दिस लाई. Telling a lie. Lie mean झूठ बोलना. झूठ बोलना, अगर तुम झूठ बोलोगे, अगर आप झूठ बोलोगे तो उससे कोई आपको फायदा नहीं मिलने वाला. हमेशा सच बोलो और सच का साथ ही पकड़ के चलो, आगे आपकी तरक्की कामयाबी अच्छी सी होगी. So now moving. Okay. Telling a lie doesn't benefit you. Means अगर आप झूठ बोल के आपको कोई भी मतलब हासिल होने वाला नहीं है. जो सच है तो वो सच ही रहेगा. सच को आप झूठ नहीं कर सकते, झूठ को सच नहीं कर सकते. वो तो कर सकते हैं बट उस सच्चाई को कभी छुपा नहीं सकते. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. बिफोर आई प्रोसीड टू द नेक्स्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ द फ्रेजेस, आई वुड लाइक यू टू प्लीज, इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, अगर आप अभी मेरे चैनल को ज्वाइन किए, प्लीज उसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिएगा, सो दैट आप तक अपकमिंग वीडियोज जो मेरे आगे है, इसके आगे जो वीडियोज आने वाले हैं वो आपको मिलेंगे और आप समझेंगे. और अगर आप देख रहे हैं मेरी वीडियोस को तो प्लीज उसको अंत तक आप स्टे ट्यून्ड टू इट टिल द लास्ट. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट. इट्स टू बैड. इट्स टू बैड मींस मतलब ये तो बहुत खराब हुआ. ऐसे नहीं है बोलते ना हिंदी में, ये तो बहुत खराब हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए. अरे एक्सीडेंट हो गया, ओ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, आराम से चलाते. नाउ इट इंग्लिश इज इट्स टू बैड. यू कैन यूज दीज सेंटेंसेस, दीज फ्रेजेस इन योर डे टू डे among your friends, among the house. आप अपने बच्चों पे यूज कर सकते हैं, उनके साथ यूज कर सकते हैं सब चीजें. मेक देम लर्न. नो हार्ड फीलिंग्स. नो हार्ड फीलिंग मीन किसी ने आपको हर्ट किया, नहीं मेरे लिए आपके लिए मतलब आपके प्रति कोई ऐसा कुछ मतलब गुस्से वाला नहीं, कुछ नहीं, बहुत साधारण है, मतलब कोई गुस्सा वाला नहीं है आपके प्रति, मैं ठीक हूँ. और ऐसा कुछ मत सोचिए कि मैं आपसे बहुत ज्यादा नाराज हूँ, ऐसे बोलते ना. सो इन इंग्लिश यू विल से नो हार्ड फीलिंग, मतलब मैं गुस्सा नहीं, आपने जो भी गलत किया मेरे साथ, हम कोई भी ऐसी चीजें नहीं रखते अपने दिल में, इट्स ओके एंड आई हैव नो हार्ड फीलिंग फॉर यू. हार्ड फीलिंग तो इंग्लिश में यही बोलेंगे, नो हार्ड फीलिंग. ओके, सो नेक्स्ट वी कम टू इज इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. अगर कोई आपके काम में इंटरप्ट कर रहा हो, बहुत ज्यादा आपको दे रहा बता रहा है, तो आप क्या बोलेंगे, तुम अपने काम से मतलब रखो, ठीक है,
तुम्हारा मतलब नहीं था, अपने काम से मतलब रखो, आपने काम से मतलब रखी। तो इंग्लिश में क्या आप बोलेंगे इसको, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस इफ एनीवन इज इंटरफियरिंग इन योर पर्सनल मैटर इन योर एनीथिंग इफ एनी वे एक्स वाई जेड, तो आप क्या बोलेंगे, इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। नेक्स्ट इज नो वे, नो वे प्लीज, नो वे मतलब ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसे तो बिल्कुल नहीं, ऐसे तो बिल्कुल नहीं हम कर सकते। सो जैसे किसी ने आपको बोल दिया देखो तो ये चीज के लिए झूठ बोल दो कि अरे ऐसा है तो झूठ बोल दे यार ऐसे, नो तो आप क्या बोले, नो वे, नो वे मैं झूठ नहीं बोल सकती, नो वे आई कैनॉट टेल अ लाई, सो दैट इज द थिंग, नो वे। वी आर आउट ऑफ टच, वी आर आउट ऑफ टच। सपोज अ पर्सन इज, इफ पर्सन इज कम टू योर हाउस एंड इंक्वायरिंग अबाउट समबडी, बहुत ही पुराने दोस्त, लाइक आई हैव सम फ्रेंड्स हु आर स्टेइंग अब्रॉड, जो बाहर रहते हैं, एंड सम ऑफ माई लोकल कलीग्स दे कॉल मी अप, डू यू हैव एनी नंबर ऑफ दैट पर्सन और आर यू इन टच ऑफ दैट पर्सन, मतलब उस इंसान से या किसी व्यक्ति से आप संपर्क में है या नहीं है। सो दैट इज द मीनिंग इन इंग्लिश, वी आर नॉट, वी आर आउट ऑफ टच, मतलब हम तो संपर्क से बाहर है, आई एम आउट ऑफ टच, तो संपर्क से बाहर होना, बाहर रहना कि कोई भी दूर, मतलब कई साल तक उसे संपर्क ही नहीं हुआ है, दैट इज द मीनिंग इन हिंदी। इंग्लिश वी आर आउट ऑफ टच। टेक इट और लीव इट, टेक इट और लीव इट, दैट मीन्स ले लो या फिर छोड़ दो। नाउ व्हेन यू गो टू द शॉप, दुकानदार आपसे क्या बोलेगा, आपको कुछ चीजें पसंद आ रहा है लेकिन रेट बहुत ज्यादा है, तो फिर भी आप आर्ग्यूमेंट करें, थोड़ा सा कम कर दिए, प्लीज मेक इट लेस, मेक इट लेस, प्लीज डू सम डिस्काउंट। सो शॉपकीपर से अरे या तो ले लीजिए या तो फिर आप छोड़ दीजिए, डिस्काउंट भी होगा, फिक्स रेट लाइक दिस दिस सेम। सो वट इज वट विल से, टेक इट और लीव इट, इसका यही मतलब है कि या तो आप ले लीजिए या तो फिर छोड़ दीजिए, डिस्काउंट नहीं मिलेगा आपको क्योंकि यहाँ पे सब फिक्स रेट चलता है। सो डोंट टॉक बैक टू मी, डोंट टॉक बैक टू मी मीन मुझसे जबान मत लड़ाइए, प्लीज है ना, मुझसे जबान मत लड़ाओ प्लीज। ऐसे ऐसे बोलते ना आप लोग किसी गुस्से में कि आपको बैक टू बैक जवाब दे रहा है, आपने कुछ बोला, जैसे बच्चे ज्यादातर करते हैं, मतलब सवाल जवाब करते हैं, बैक टू बैक जवाब दे रहे हैं, कुछ आपने बोला तो उसने कहा हम ये कर देंगे, बच्चे कभी बहुत से ऐसे करते हैं, बड़े भी करते हैं ऐसा। सो डोंट टॉक बैक टू मी, मतलब मुझसे मुझको जवाब मत दो। ओके नेक्स्ट इज डोंट लेक्चर मी, डोंट लेक्चर मी, आजकल बच्चे, आजकल बच्चों को अच्छी चीजें सिखाना, अच्छी चीजें बताना बच्चों को बहुत बुरा लगता है, कभी कभी बड़ों को भी बहुत बुरा लगता है, कोई गलत चीजें अगर कर रहे हैं और बड़े आप बड़े हो, बड़े होने के नाते आप बोल रहे हो बच्चों को कोई भी चीज हो, किसी भी को, किसी को आप बोलते हो, तो दे डोंट लाइक इट, दे डोंट लाइक यू दैट यू शुड इंटरप्ट इन देम एंड टेलिंग देम समथिंग गुड, उनको पसंद नहीं होता कि आप उनको लेक्चर बोल बेटा ये मत करो, ऐसा नहीं होता, ऐसे करो, तो बहुत से लोगों को पसंद नहीं होता ये सब चीजें बोलना, तो क्या बोलेंगे, प्लीज मुझे मत समझाइए, ठीक है, आप अपने काम से मतलब रखिए, मुझे मत समझाइए। सो डोंट लेक्चर मी, लेक्चर भाषण जिसको बोलते ना, भाषण मत दो हमको, मत बताओ ज्यादा, ऐसे बोलते हैं गुस्से में बच्चे बड़े ऐसे भी, सो डोंट लेक्चर मी। नेक्स्ट इज यू वन माई हार्ट, यू वन माई हार्ट मीन किसी ने बहुत अच्छा काम किया, जैसे आपका काम नहीं हो रहा था और बहुत चीजें और वो भी तो किसी ने आपको हेल्प कर दिया, वो काम को उसको अच्छा करके साबित कर दिया आपके लिए, तो आपने बोला अरे तुम्हें तो मेरा दिल जीत लिया, यू वन माई हार्ट, दिल जीतना। अब आप घर में है, अब बहुत अच्छे आपने फैमिली में पूरा एक रिलेशन बना के रखा हुआ, जहाँ पे टूटे हुए रिश्ते उसको आपने जोड़ दिया, तो कहता रहे तुमने तो बहू ने मेरा दिल जीत लिया, ज्यादातर बोलते ना, तो एक अच्छी बहू दिल जीत लेती है, तो यू वन माई हार्ट, तो उसको हिंदी में बोलते दिल जीत लेना, और इंग्लिश में यू वन माई हार्ट। बींग अ गुड पर्सन एंड डूइंग समथिंग गुड, दैट इज द मीनिंग ऑफ इट, दैट यू वन माई हार्ट, मतलब दिल जीत लिया अच्छे से चीजों को करके। सो नेक्स्ट इज यू डिड वंडर, मतलब हमने तो ये सोचा नहीं था और ना मैंने तुम्हारे बारे में ऐसा सोचा कि इतना बड़ा काम कर लोगे, यू डिड वंडर, क्या तुमने सोचा कि ये इतना बड़ा काम हो जाएगा, उसने इतना बड़ा, उसने आईएएस पीसीएस की तैयारी मतलब शुरू कर ली, हमने तो कभी सोचा नहीं था, तो यू डिड वंडर, हमने कभी सोचा नहीं था ये चीज। ओके तो दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव बॉट टुडे इन फ्रंट ऑफ यू फ्रेंड्स, यूज देम इन योर डे टू डे लाइफ एंड रिकॉल इट, राइट इट डाउन समवेयर, और यू आर देयर वॉचिंग मी, आप लोग मुझे देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज पॉज करके सुनिए और यूज करिए, बिकॉज English you will never learn until and unless you speak and listen.
The first thing is listening and then speaking. If you are just listening and not recalling it and not speaking, then English learning is no worth. So please recall, you say it, speak it among your friend, use this from today. If you haven't, these are things that you haven't heard about. कभी सुना नहीं होगा English में सब चीजें क्योंकि आपने कभी बोला नहीं है इस चीज को. You haven't spoken all these words. आपने कभी नहीं बोला होगा उसको, ना कभी speak किया अपने friend.